सिद्धिविनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बरेली में बीटेक तथा बीसीए 2021 बैच के लिए फ्रेशर पार्टी एक नया दौर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के चेयरमैन अनुपम कपूर, मैनेजिंग डायरेक्टर अनमोल कपूर, प्रतीक कपूर एवं श्रीमती सिमरन मारवाह कपूर के द्वारा दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना के साथ किया गया। इसके पश्चात सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत गुलदस्ता देकर किया गया। कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति गणेश वंदना के रूप में प्रस्तुत की गई। डीएन एकेडमिक्स डॉक्टर सुधाकर जैन ने सभी अतिथियों के सम्मान में स्वागत संबोधन प्रस्तुत किया तथा समस्त विद्यार्थियों को नए कोर्स तथा नए कॉलेज में प्रवेश की बधाइयां दी। उन्होंने सभी छात्रों को इंजीनियरिंग की फील्ड में मौजूदा रुझानों से अवगत भी कराया तथा लगातार इस फील्ड में आगे बढ़ते हुए पूरी लगन और मेहनत के साथ नई ऊंचाइयों को पाकर कॉलेज का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित भी किया। इसके पश्चात जनित और सुभांग ने ग्रुप सिंगिंग प्रस्तुत की। लवली पांडे ने अपनी डांस से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके पश्चात बीसीए के छात्रों ने ग्रुप डांस प्रस्तुत किया। इसके पश्चात मिस्टर एंड मिस का प्रथम राउंड भी कराया गया, जिसमें सभी छात्रों ने रैंप वॉक व इंट्रोडक्शन से स्टेज को आकर्षित किया। इसमें विजेता छात्रों को मिस्टर एंड मिस का सेकेंड राउंड कराया गया, जिसने सभी विजेता छात्रों ने अपना टैलेंट प्रस्तुत किया। इसमें विजेता छात्रों को थर्ड राउंड में भेजा गया, जिसमें सभी विजेता छात्रों से प्रश्न पूछे गए। बीटेक में अभिषेक को मिस्टर फ्रेशर और लवली को मिस फ्रेशर चुना गया। अंत में प्रतीक कपूर और सिमरन कपूर ने सभी विजेता छात्रों को पुरस्कृत भी किया। सिमरन मारवाह कपूर ने सभी का उत्साह वर्धन किया तथा भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर मनीष वार्ष्णेय, डीन स्टूडेंट वेलफेयर श्री सिद्धिविनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बरेली। सर, आज आपके यहाँ सिद्धिविनायक में क्या कार्यक्रम चल रहा है, इसकी जानकारी? आज श्री सिद्धिविनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में 2021 बैच के जो हमारे बीटेक और बीसीए के बच्चे हैं उनके लिए फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया है और ये प्रोग्राम ओएसएस क्लब के थ्रू किया जाता है, जो हर साल हम लोग करते हैं। लास्ट टू ईयर से नहीं कर पा रहे थे कोरोना की वजह से। इस बार इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाए और बच्चे के अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है वो बाहर आए, जिससे कि बच्चे के अंदर कोई सिंगिंग की प्रतिभा है, किसी के अंदर डांसिंग की प्रतिभा है, वो सब आए। और इसमें हम लोग मिस्टर फ्रेशर बीटेक, मिस्टर मिस फ्रेशर बीटेक, मिस्टर फ्रेशर बीसीए और मिस फ्रेशर बीसीए का भी आयोजन किया गया है। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मुख्य अतिथि होंगे, कोशिश ये है कि अनमोल कपूर जी आए, अगर वो नहीं आते हैं तो प्रतीक कपूर जी जो है अपनी वाइफ के साथ आए। सर, आज जो पार्टी में जो बच्चे यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो बच्चे यहाँ से आपके यहाँ से इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं, वो किस टाइप के बच्चे गए हैं, किस किस ने कोर्स किए हैं उन्होंने? अभी आज जो है वो फ्रेशर पार्टी है, फेयरवेल नहीं है, फ्रेशर है। तो फ्रेशर में गए जो नए बच्चे आते हैं उनका स्वागत करते हैं। लास्ट टू ईयर से कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार कोरोना का इतना प्रभाव नहीं है तो उस वजह से हम लोग अच्छे तरीके से इस पार्टी को करने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 500-550 बच्चे हम लोगों के यहाँ अभी ऑडिटोरियम में है। इनका लंच भी है और शाम को मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर की पूरी तरीके से अच्छी तैयारी के साथ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे उनके ग्रुप डांस, उनके डुएट डांस, उनके सोलो सिंगिंग बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने परफॉर्म किया है और बच्चे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। सर, इन बच्चों के लिए क्या कहना मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों के लिए मैसेज है, खाली पढ़ाई कुछ नहीं होती है, पढ़ाई के साथ साथ सर्वांगीण विकास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल ओवर ऑलराउंडर आपको बनना पड़ेगा। आपको अपनी प्रतिभा, चाहे वो कल्चरल में हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे बेसिकली स्पोर्ट्स में हो, उसमें अच्छे तरीके से आपको आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब ये मल्टी नेशनल कंपनी में जाते हैं तो खाली बुकिश नॉलेज काम नहीं आती है, उसमें ऑल ओवर ऑलराउंडर परफॉर्मेंस काम आती है। तो हम यही चाहते हैं कि हर बच्चा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करे। सर, आपके यहाँ से जो बच्चे एजुकेशन प्राप्त करके जाते हैं उनके लिए क्या आप प्लेसमेंट भी देते हैं? हाँ जी, हम लोगों के यहाँ प्लेसमेंट असिस्टेंट पूरा रहता है। लास्ट ईयर कोरोना काल में हम लोगों के यहाँ 84 कंपनीज आई थी। इस बार तो हम लोगों का टारगेट 100+ कंपनीज का है। कल एक कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी आई थी, जिसमें 30 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 20 बच्चे बीटेक मैकेनिकल के हैं और 10 बच्चे आपके पॉलिटेक्निक के हैं। तो हमारे यहाँ रेगुलर नेक्स्ट सेमेस्टर उसकी भी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। हम लोग, हमारे जो चेयरमैन हैं अनुपम कपूर जी, उनका मानना ये है खाली पढ़ाई से कुछ नहीं होगा जब तक हम उनसे प्लेसमेंट नहीं देंगे। तो हम बच्चों को प्लेसेबल बनाते हैं और अच्छा प्लेसमेंट देने की कोशिश करते हैं। बीते वर्ष में आपने कितने बच्चों को प्लेसमेंट दी थी? लास्ट ईयर कोरोना काल में हमारे यहाँ टोटल 2693 बच्चे निकल रहे थे, जिसमें 1200 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, बाकी बच्चे अपना अपना काम कर रहे हैं। आपके यहाँ टॉपिक कंपनी कितनी आती है? हायर सेलेक्ट
जो पैकेज गया है लास्ट ईयर वो गया है 7.8 लाख का बच्चे का इन्फोसिस का सिलेक्शन हुआ है। अब जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे TCS हो, उसने कैंपस में आना बंद कर दिया है। वो सारे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू सारे जाते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, बच्चे ऑनलाइन एग्जामिनेशन देते हैं। पहला राउंड उनका एप्टीट्यूड राउंड होता है, दूसरा टेक्निकल राउंड होता है, तीसरा HR राउंड होता है। और जो कंपनी मल्टीनेशनल जो प्रोग्राम जिसका आप चीज थे इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगी कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एंड इस परफॉर्मेंस से देख के मेरे को लगता है कि दे विल डू वंडर्स इन फ्यूचर एज वेल। कहेंगे प्रतीक कपूर जी, आज जिस प्रोग्राम में आप चीफ गेस्ट रहे हैं, इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे और इस इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहेंगे? प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था, फ्रेशर्स का प्रोग्राम हुआ था, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी स्टूडेंट्स ने। सर, आज जो आप यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आए हैं और आज इस मुकाम पे हैं, जो आप सक्सेस हुए हैं, इस सक्सेस का राज क्या है? पेशेंस एंड परसिवरेंस। यहाँ तक पहुँचने में आपको किस तरह का संघर्ष किया? सभी तरह के संघर्ष रहते हैं। जैसे कि किस तरीके से संघर्ष आपने किए हैं अपने जीवन में अब तक सक्सेस होने के लिए? यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट, दैट्स ऑल।